जिसको कि थ्योरीज बोलते हैं, फिनोमिनोलॉजी कह सकते हो, किसने दिए थे? एडम स्मिथ ने। और इन सिद्धांतों को जब हम किसी एक एरिया पे, कोई भी एक ज्योग्राफिकल एरिया हो सकता है, भौगोलिक क्षेत्र, उस पे उसको इम्प्लीमेंट करके जो भी बाद में एक्चुअल रिजल्ट निकलते हैं उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। अकेली अर्थव्यवस्था कुछ नहीं होती, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, तो ये अर्थव्यवस्था का मतलब ही तब बनता है जब किसी भौगोलिक एरिया के साथ, किसी भौगोलिक क्षेत्र के साथ इसका नाम लग जाता है, तो ये इसका मतलब बन जाता है अर्थव्यवस्था का। अब अर्थशास्त्र बहुत ही बड़ा शब्द है, बहुत ही बड़ा यहाँ पर थ्योरीज है, और अर्थव्यवस्था एक छोटा शब्द है, ठीक है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था एक छोटा एरिया पे हो सकती है, जैसे भारतीय, ब्रिटेन और अलग अलग जगह पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर सभी अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, रशियन अर्थव्यवस्था और अमेरिका की अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन और जितने भी देश है यहाँ पर, सभी की अर्थव्यवस्था इस अर्थशास्त्र के अंदर ही आ जाती है। और यहाँ पर हम एक दूसरे से आयात निर्यात भी इस अर्थशास्त्र के आधार पर ही करते हैं, वो आगे आगे हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि अर्थव्यवस्था का मेन मोटो क्या है या फिर इसका मेन काम क्या है, तो अर्थव्यवस्था का काम है मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना। मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगर आपसे कोई सिंपल ही डेफिनेशन ही पूछ ले, चाहे इंटरव्यू में पूछ सकता है या वनडे एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये क्या होता है? अर्थव्यवस्था मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना। और अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थशास्त्र, मान लीजिए जो अर्थशास्त्र है, इसका मेन फोकस क्या है, इसका केंद्र क्या है, तो इसका केंद्र है पृथ्वी पर मानव जीवन की बेहतरी और मानव जगत में सुधार। अगर फोकस की बात करें अर्थशास्त्र का, पृथ्वी पर मानव जीवन की बेहतरी के लिए काम करना, और सुधार, तो दोनों चीजें आपको आई होप दोनों अच्छे से समझ आ गई होंगी कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। ये तो जो मानव की गतिविधियां हैं उनका अध्ययन करते हैं, और यहाँ पर है मानव जीवन की बेहतरी और उसको सुधार के लिए अर्थशास्त्र यूज होता है। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होना है। अब जैसे मान लीजिए, अब इसका पृथ्वी पर मानव जीवन की बेहतरी और सुधार का क्या मतलब है? सबसे पहले 2G आए, फिर 3G आ गए, फिर 4G आ गए, अब 5G लॉन्च करने की तैयारी है, फिर आगे 6G की तरफ जाने की सोच रहे हैं, या फिर 7G की तरफ जाने की सोच रहे हैं। तो ये मानव जीवन की बेहतरी, यहाँ पर इस तरह मानव को बहुत सारी चीजों की यहाँ पर बेहतरी मिल रही है और बहुत सारे यहाँ पर डेवलपमेंट की जा रही है, सारी अर्थशास्त्र के बिहाफ, ठीक। चलिए, अब हमने इकोनॉमी पढ़ लिया था, अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमी के दो प्रकार कौन कौन से हैं। यहाँ पर है दो मेन प्रकार है, यहाँ पर पहला है खुली अर्थव्यवस्था जिसको ओपन इकोनॉमी बोलते हैं, दूसरी है क्लोज्ड अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। एक सिंपल सा है, एक दरवाजा है, एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, एक दरवाजा है। अगर दरवाजा खुला हुआ है तो आप उसके अंदर जा सकते हैं, अंदर के लोग बाहर आ सकते हैं। अगर किसी कमरे का दरवाजा बंद है तो आप उसके ना ही तो अंदर जा सकेंगे ना ही आप बाहर आ सकेंगे। तो यही यहाँ पर अर्थव्यवस्था के अंदर, जो अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है उसके अंदर आयात और निर्यात दोनों चीजें होती है यहाँ पर खुली अर्थव्यवस्था में। बंद अर्थव्यवस्था में यहाँ पर दोनों चीजें मिसिंग है, इनमें से कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक। तो सिंपल सी चीजें समझ आ गई आपको। अभी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ डेफिनेशन में। खुली अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था यदि वह अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार करती है तो वह खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। जो दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार करती है, ट्रेड करती है, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में बाजार ज्यादातर व्यापार बाधाओं से मुक्त होता है। अब व्यापार बाधाएं क्या होती है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, ट्रेड करने पे कुछ बैरियर्स लगा दी जाती है, कुछ रोक लगा दी जाती है, तो यहाँ पर
जनरली जो खुली अर्थव्यवस्था में ट्रेड बैरियर नहीं होते, तो इस अर्थव्यवस्था में बाजार ज्यादातर व्यापार बाधाओं से मुक्त होते हैं, जहां जीडीपी के एक बड़े प्रतिशत से निर्यात और आयात होता है। तो एक बड़े लेवल पे यहाँ पर आयात और निर्यात दोनों किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था की खुलेपन की डिग्री, तो अर्थव्यवस्था में कितने परसेंटेज ओपन करना है, 100% ओपन करना है, 50% ओपन करना है, 30% ओपन करना है, तो खुलेपन की डिग्री कौन डिसाइड करता है, तो वहां की सरकारें।